अमृत विचार में आपका स्वागत है। शाहजहांपुर जिले में कोरोना ने एक बार फिर दस्तक दी है। शाहजहांपुर के कसबा कलान में एक कोरोना पॉजिटिव पाया गया, जिससे जिले के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। ये व्यक्ति मुंबई से काम करके लौटा था। स्वास्थ्य विभाग ने उसकी जांच पड़ताल की। जांच पड़ताल के बाद उसकी जांच आई, जांच में वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया। उसके आसपास के सारे इलाकों को सील कर दिया गया है। लगभग 7 गांवों को सैनिटाइज किया जा रहा है। उसको क्वारंटाइन किया गया, उसकी फैमिली को क्वारंटाइन किया गया है। बट आपको बता दें कि इससे पहले भी तबलीगी जमात से जुड़े हुए एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, लेकिन उसके बाद उसकी रिपोर्ट निगेटिव आई। उसके बाद जिला ग्रीन जोन में आ गया, लेकिन कोरोना का एक मरीज और मिलने से जिले के अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। इससे स्थिति और भी बदतर हो गई है। देखिए ये रिपोर्ट। शाहजहांपुर महाराष्ट्र से वापस आए कामगार की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आने से जनपद के अधिकारियों में हड़कंप मच गया। इससे पहले जनपद में तबलीगी जमात से वापस आकर शाहजहांपुर के खलील सर की एक मस्जिद से गिरफ्तार किए गए 9 विदेशियों में एक कोरोना पॉजिटिव निकला था, जिसकी दोबारा जांच होने पर रिपोर्ट निगेटिव आई थी, जिसके चलते शाहजहांपुर ग्रीन जोन में शामिल किया गया है। अब दोबारा दूसरा कोरोना पॉजिटिव मरीज जो कि महाराष्ट्र से कानपुर पहुंचा, वहीं से ट्रक द्वारा गुरसहायगंज पहुंचा, जहां से बीते दिवस शाहजहांपुर के कलान स्थित अपने गांव रुकनपुर पहुंचा, जिसका कोरोना सैंपल जांच के लिए भेजा गया था, जिसकी रिपोर्ट देर रात पॉजिटिव आई। कोरोना पॉजिटिव मरीज को L1 चिकित्सालय में क्वारंटाइन किया गया है। संबंधित कोरोना पॉजिटिव के गांव के 1 किलोमीटर एरिया को सील कर पूरे गांव को सैनिटाइज करवाया जा रहा है। कोरोना पॉजिटिव के संपर्क में आए लोगों को तथा उसके परिवार को भी जिला चिकित्सालय में क्वारंटाइन करवाने की व्यवस्था की जा रही है। जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाते हुए संबंधित एरिया के 1 किलोमीटर के दायरे को सील कर कलान कस्बे में सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं। जनपद शाहजहांपुर में महाराष्ट्र मुंबई से चलकर एक व्यक्ति आए थे, जो जिनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया था और उनका सैंपल लिया गया था COVID-19 का। कल वो सैंपल पॉजिटिव पाया गया है और वो एसिम्प्टोमेटिक लक्षण थे उनमें। संबंधित व्यक्ति को मेडिकल प्रोटोकॉल के तहत जो Level 1 का हॉस्पिटल होता है, वहाँ पर उनको पृथकीकरण करके रख दिया गया है। जिस आबादी में वो निवासित थे, उसके 1 किलोमीटर के दायरे में सैनिटाइजेशन कर दिया गया है और वहाँ पर लॉकडाउन के जो प्रतिबंध हैं उनको सख्ती से पालन कराया जा रहा है। जो बाहर से आने वाले लोग हैं, उनको निगरानी समितियों के माध्यम से उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है निरंतर, और उसी के माध्यम से जो संदिग्ध होते हैं उनका सैंपल लिया जाता है। सैंपल लेने पर अगर एसिम्प्टोमेटिक केस पाया जाता है या सिम्प्टोमेटिक केस पाया जाता है, तो मेडिकल प्रोटोकॉल के तहत कार्रवाई की जाती है।